हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण पर इन्वायरमेंटल का पार्ट 13। इससे पहले मैं 12 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखे वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? उपरोक्त सभी, उच्चावच, जल प्रवाह और भूमि क्षरण, ये सभी क्या आते हैं? तथ्यात्मक पर्यावरण में शामिल हैं, आते हैं सभी। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पर्यावरण को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है, तो किससे होता है? उपरोक्त तीनों, मल निकासी से, आवासीय समस्या से और जलाऊ लकड़ी से, ये तीनों से नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची क्या है? तो पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण और पर्यावरण अपकर्षण, ये तीनों पर्यावरण ह्रास के पर्यायवाची हैं। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, तो मरुस्थलीकरण में पर्यावरण कैसा होता है? असंतुलित। नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नगरीकरण का पर्यावरण पर जल प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, ये तीनों प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरण पर नगरीकरण में। पर्यावरण किस से बनता है? तो पर्यावरण उपरोक्त सभी से बनता है, जीवीय घटकों से, भूआकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? तो पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पारिस्थितिक कारक। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो बेंगलोर में स्थित है। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो जैविक तथा अजैविक, ये दोनों पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं। पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणवादी हैं, तो वो हैं अर्नस्ट हेकेल। डार्विन का उपदिकास का सिद्धांत आधारित है, तो किस पे? उत्परिवर्तन पर आधारित है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? पारिस्थितिकी का, विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। पारिस्थितिक विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह क्या है? वातावरण। पारिस्थितिक विज्ञान में वातावरण का अध्ययन किया जाता है। विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास स्थायी है क्या कहलाता है? एक्यूमेन। पर्यावरण प्रतिफल है, तो उपरोक्त सभी का, जैविक तत्वों का, भौतिक तत्वों का और अजैविक तत्व तीनों का, तो उपरोक्त सभी। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्पूत की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, तो किसने की थी? चार्ल्स एल्टन ने। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो वनों का काटना पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनों अनुमूलन जो असंतुलन का प्रमुख कारण है। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो कैसा होता है परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड? सीधा। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंटल के हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है संविदा शिक्षक के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।